इस वक्त जो जुल्म चल रहा है, लोग अफ्तार का कॉन्सेप्ट तो पिछले साल ही खत्म हो चुका था, लोग खजूर रख देते थे अपने दस्तरखानों में। जो रेट खजूर का है उससे 300 गुना महंगी खजूर है, तेल लगी हुई खजूर है, उसकी हालत देखें आप, भूसा चिपका हुआ है। ऐसी आला क्वालिटी की खजूर दुबई से 70% ऑफ पे लेकर आया हूं। क्यों ऑफ किया उन्होंने? अरे ऐसा ऐसा ऑफ लगा हुआ, वो एक चावल की बोरी आती, चावल का थैला आता है, बड़ा जबरदस्त वहां पे दुबई में चावल मिलते हैं, वो मेरे ख्याल से कोई पता नहीं कितने के थे, मुझे उसकी प्राइस याद नहीं है, उस पर 70% ऑफ लगा। तो वहां भी तो रमजान हुआ है, बढ़ाए ना रेट, वहां रमजान नहीं हुआ? 70% ऑफ। आप मुझे बताओ फैसल भाई, वहां रमजान का चांद हुआ है दुनिया भर में, तो फिर वो रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारे यहाँ तो खाल उतार देते हैं रमजान का चांद देख के। नहीं लेकिन हमने तो ये सुना था कि ये ऐलान हो रहा है कि सर्टन सेल लगेगी चीजों पे, तो वो तो आप चले जाए, आप बचत बाजारों में चले जाए, 150 वाली प्याज 250 की मिल रही है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? अब मैंने तो एक तरीका शुरू किया है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ग्रोसरी हो रही है, चीजें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत महंगी हुई हैं चीजें, सर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ, रमजान से चार दिन पहले जिस बाप ने अपनी बीवी को, शौहर ने अपनी बीवी को और अपनी दो बच्चियों को, 2 साल की बहुत ही फूल सी प्यारी सी बेटी और 4 साल की फूल सी बेटी, गोरी खूबसूरत बच्चे, जिसको खूबसूरत तरीन बच्चे, उनको अपने हाथ से नीला थोता खिलाया, जिसमें 2 साल की बेटी मर गई और बाकी 3 तड़पते रहे, यकीन करें उनके मोहल्ले वाले मिलके उनको जिंदगी की तरफ नहीं ला सकते थे। मैं उनको लेकर के आगा खान में एडमिट कराया, अब वो बच गए, 3 बच गए, बच्ची मर गई 2 साल की। उनके घर पे मैं अगर 10 करोड़ का भी राशन दे दूंगा, खा पाएंगे? कि हमने इस भूख की वजह से अपने फूल को जहर दे दिया, वो मर गई और हम कैसे जिंदा है? वो फिर अब उनका जहनी इलाज कराना पड़ेगा कि भाई तुम जिंदगी की तरफ आ जाओ, जो होना था हो गया, इलाज के पैसे नहीं है, लाखों रुपए पे कर रहा हूं प्राइवेट अस्पतालों को कि इन 3 लोगों को बचा लो। किस लिए खुदकुशी की? भूख, 3 दिन से भूखे। पिछले दिनों काफी इस तरह के केसेस और भी हैं। अभी आप क्या समझ रहे हैं, महरूमियां बढ़ रही हैं, बच्चे से बाप ने पूरे साल वादा किया हुआ था, बेटा तेरी रोजा कुशाई करूंगा, तेरे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। देखे ना वो लड़का जो आतिफ नाम है ना उसका, वो जिसने एक ठेला लगाया वहाँ कि यार मैं 10 रुपए किलो के हिसाब से, मुस्तफा वो भी गलत है, वो भी गलत है। उसको देखें, बात ये है कि आप एक चीज़ देखिएगा कि ब्लैक फ्राइडे स्टफ की सेल्स जो होती है उस पर रश पड़ता है। अगर तो पूरे कराची के लिए लाए तो लगा दे 10 रुपए का, मैं भी खरीद लूँगा, आप भी खरीदोगे 10 रुपए जाने के लिए, तो ऐसा रश ना लगाएं, आप सिर्फ रेटों पे चीज़ें बिकवा दें। और सेकंड थिंग ये है, लेकिन वो तो जैसे जफर काम करते हैं वो इसी तरह से काम कर रहा था, सिर्फ उसने खुलूस से उसमें किया था। वो रश लगेगा, भगदड़ मचेगी, ये देखे, ये तो फिर एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। लूट के ही ले गए, वो लूट के ले गए कोई ना, अब वो नहीं। लेकिन ये भी एक फैजान भाई, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, कराची शहर लुटेरों का शहर नहीं था, कराची शहर डाकुओं का शहर नहीं था, कराची में अदबी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, काबिल थे, शायर थे। आज आपने किधर खड़ा कर दिया लोगों को, आप सोचे, मुझे सिर्फ बताएं, MBA किया हुआ लड़का, उसको आप 25,000 रुपए सैलरी की ऑफर कर रहे हो और कह रहे हो सुबह 9 बजे आने का टाइम है, वापसी की बात नहीं करना, ये ज्यादती नहीं है? और सिक्योरिटी गार्ड और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लड़के 3-3 बाइकों पे जा रहे हैं, अपनी बाइकें छोड़ दी हैं, क्यों? 250 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते? अगर 250 रुपए लीटर पेट्रोल डालेंगे, 1.5 लीटर पेट्रोल लगेगा, तो 9,000 का पेट्रोल लग रहा है, टोटल तनख्वाह 25,000 रुपए, मकान का रेंट 18,000 रुपए, जिंदा कैसे रहेंगे, खाएंगे क्या? बिल्कुल। यहाँ तो जब जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ चले जाए, यही एक गदागर, एक गदागरों में भी कैटेगरी है जिसके हाथ पांव ज्यादा कटे हुए ना, ज्यादा खतरनाक गदागर है, जिसको आपको देख के डर लग जाए, वो 25,000 रुपए डेली कमा रहा है, वो 25,000 रुपए MBA को नहीं मिल रहे, आप जाके पूछ लें, देख लें। मुझे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, कराची की आवाम जाए गदागरों का पीछा कर ले, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अब कराची के लोगों ने, कराची के लड़कों ने इनका पीछा शुरू कर दिया है और वीडियो बना रहे हैं और वो डलवा रहे हैं, और ये गदागरों के खिलाफ भी मुहिम इन्होंने स्टार्ट की। उसकी वजह यही थी कि एक गदागर 3,000 रुपए डेली से लेके 25,000 रुपए डेली कमा रहा है और इनका पूरा माफिया है। मुझे ये बताएं, वो मजदूर आदमी पहुंच के, मुझे फैजान भाई एक बात बताइए, मैं जफर से भी ये सवाल करता हूं, अब जैसे ये बहुत हो गया, ये मुफ्त का खाना, यार गरीब हैं, इनकी हेल्प आउट करनी है। अब पता है उसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आ रहा है, वो जो कमा भी रहा है या जो कमा के खा सकता है, वो भी मुफ्त का खाना खाने आ रहा है। जवाब मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये तो काम कर रहा है। मैं पहले अपनी दलील दे दूँ फैसल भाई, बहुत आसान सी दलील है, 25 रुपए की एक रोटी हो गई है, एक रोटी 25 रुपए की, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं। मैं लोगों को जवाब देता हूं भाई, मैं देखें, मैं छोटा सा जवाब है, मैं हर साल पहली रमजान को हम दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी कराते हैं। हमारी सहरी कराने का मकसद क्या था, कराची में रहने वाली तमाम इकाइयां, कि ये महाजिर हैं, ये पंजाबी हैं, ये सराइकी हैं, ये सिंधी हैं, ये बलोच हैं, कराची में रहते हैं ना, करोड़ों में आप मर्दमशुमारी में कराची की आबादी अगर 1.5 करोड़ शो कर रहे हो, तो आप ये मत समझो लोग इस बात को मानेंगे, कराची की आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है, दुनिया को मालूम है, कराची में पख्तून करोड़ों में है, कराची में
आप सिंधी करोड़ों में हैं, कराची में महाजर करोड़ों में हैं, ये फिगर करोड़ों में है, दुनिया को मालूम है, जहां पूरे पूरे शहर की आबादी 60-60 लाख नहीं होती, गुलशन टाउन 60 लाख से ज्यादा का है भाई, औरंगी टाउन करोड़ से ज्यादा का है, लांडी कोरंगी जितने बर्रे आजम है दुनिया में, इतना बड़ा है लांडी कोरंगी। बिल्कुल, आप बिलावजह में इसको 1.5 करोड़ पे ले आए ताकि आपको उसके बाद इनको देना ना पड़े, आपको सड़कों का बजट ना देना पड़े, आपको इनको पानी बिजली गैस सेहत सहूलत कुछ ना। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।